इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करते पकड़े गए एमबीबीएस के छात्रों ने कक्ष निरीक्षक और उड़न दस्ते की नजरों से बचने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस अपनी त्वचा के रंग की मंगवाई थी। एक घंटे तक कक्ष निरीक्षक को पता ही नहीं चला कि उनके कानों में डिवाइस लगी है। तावीज में फिट की गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पकड़ना भी आसान नहीं था, यह देखने में एकदम तावीज ही लग रहे थे। मुंह पर मास्क होने के कारण यह भी पता नहीं चल रहा था कि कौन बात कर रहा है। नकलची छात्रों ने परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे बाद ही नकल शुरू कर दी। आगरा में मेट्रो रेल के बसई ताजमहल के पूर्वी गेट और फतेहाबाद रोड स्टेशन का निर्माण 273 करोड़ की लागत से होगा। यहां दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। सिकंदरा से ताजमहल तक 14.25 किलोमीटर लंबी पहली लेन में 4 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ठेका लेने वाली कंपनी सेम इंडिया बिल्डवेल को 26 महीने में काम पूरा करना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अगस्त में निविदाएं आमंत्रित की थी, 290 करोड़ की अनुमानित कीमत रखी थी। तीन कंपनियों ने तकनीकी निविदा पास की। सोमवार को वित्तीय निविदा खुलने पर सेम बिल्डवेल ने 272.9 करोड़ रुपए में अधिकार हासिल कर लिए। पुलिस कोमेमोरेशन डे 2020 ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को बुधवार को पुलिस लाइन में याद किया गया। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर एडीजी अजय आनंद ने कहा कि पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाई, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिकरू कांड के शहीद बबलू को भी पुलिस ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में मंगलवार रात को दर्दनाक घटना घटित हो गई। एटा कोतवाली देहात अलीगंज रोड स्थित गांव पवास के पास मंगलवार की रात डंपर ने ऑटो को रौंद दिया। इस हादसे में पिता और उनके मासूम पुत्र की मौत हो गई, जबकि दादी सहित दो महिलाएं घायल हुई। दादी को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव बरथरी निवासी भानु प्रताप और छोटू 30 वर्षीय पुत्र सुरेश चंद का उनका 3 वर्षीय पुत्र कृष्णा और किन्ना माँ कमला देवी और गांव की रामा देवी पत्नी विनोद कुमार घायल हो गई। हादसे की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस की ओर से सभी घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया। ताजगंज के नगला कली स्थित पुष्पांजलि इको सिटी में सेवानिवृत्त फौजी अनिल कुमार राजावत की पत्नी संगीता को जिंदा जलाने के मामले में बुधवार को पीड़ित परिवार ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से सर्किट हाउस में मुलाकात की। संगीता के पति अनिल ने पूर्व सैनिकों के दल के साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात कर पूरा प्रकरण उनके समक्ष रखा। पूर्व सैनिक अनिल ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने संगीता के परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर एलर्जी, त्वचा, आंख नाक के रोग, मधुमेह और स्त्री रोग की दवाइयों की कमी है। लेडी लायल में स्थित जन औषधि केंद्र पर ताला लगा है। मरीजों को निजी स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। जन औषधि केंद्र पर 600 से अधिक तरह की दवाइयां मिलने का दावा है, लेकिन करीब 350 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। जिला अस्पताल में केंद्र पर मरीजों को आंख कान की ड्रॉप, सूखी त्वचा, दाने व घुटनों में दर्द की दवा नहीं मिली। लेडी लायल के केंद्र पर ताला लटका हुआ था। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि यह लगभग सप्ताह भर से बंद है। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर 70% तक कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं, हालांकि जरूरत की दवाएं नहीं मिल पाने से जरूरतमंद मरीजों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। करवा चौथ पर देश भर की सुहागिनों के पैर में ताजनगर की पायल को चमकाने की तैयारी हो रही है। पायल बनाने में देश की प्रमुख मंडियों में शुमार। आगरा की मंडी से 100 करोड़ की आपूर्ति करने की तैयारी जोर पकड़ रही है। कारोबारियों को बीते वर्ष यह कारोबार 10 करोड़ रुपए अधिक होने की उम्मीद है। चांदी की पायल बनाने में आगरा का प्रमुख स्थान आता है। यहाँ की चेन नुमा पायल का कोई तोड़ नहीं, कीमत 2000 रुपए तक होती है। इधर त्योहार आते ही आगरा के करीब 2000 कारखानों में काम जोरों से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्यों में आपूर्ति होने लगी है। लंबे समय के बाद 1 लाख से अधिक कारीगरों को ठीक ठाक काम मिलना शुरू हो गया। श्री रामलीला कमेटी के सहयोग से दिखाई जा रही ऑनलाइन रामलीला में बुधवार को दशानन की बहन शूपनखा के नाक काटे जाने की लीला दिखाई जाएगी। राक्षसी शूपनखा सुंदर नारी का रूप बना के आती है। वह प्रभु राम पर मोहित हो जाती है, उनसे विवाह का प्रस्ताव देती है। प्रभु इनकार कर देते हैं तो वह हट करती है। जानकी को खा जाने की धमकी देती है। प्रभु राम का इशारा पाते ही लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। वह बदला लेने के लिए अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है, जिनका राम वध कर देते हैं। उसके बाद वह रोते हुए भाई दशानन के पास जाती है। आगरा के अतमोदल क्षेत्र की नुनिहाई पुलिस चौकी के पास नवलगंज में शराब ठेकों में कैश कलेक्शन मैनेजर सोनू यादव की हत्या में शामिल बदमाश का नाम, पता और फोटो तक पुलिस को मिल जाने पर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सीतानगर निवासी बताए जा रहे हसन नाम के बदमाश के घर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। बदमाश की पहचान उसकी फेसबुक आईडी पर लगी प्रोफाइल फोटो से हुई है। हाथरस जनपद की गुड़ाइश निवासी सोनू की सोमवार को हत्या कर 6 लाख रुपए लूट लिए गए थे। ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से बदमाश का चेहरा मिल गया था। फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने बदमाश का फेसबुक प्रोफाइल देखा, जिसमें वह टी शर्ट में लूट और हत्या करने आया था।
आगरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आई है, लेकिन संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला नहीं थमा है। लगातार तीसरे दिन एक और संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि मृतक मरीजों फेफड़ों की टीबी से पीड़ित था। उपचार के दौरान जांच में कोरोना की पुष्टि होने के बाद सांस लेने में तकलीफ और बढ़ गई। मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। अब तक 138 संक्रमितों की मरीज मौत हो चुकी है। उधर 42 नए मरीज भी मिले हैं। इससे कुल संक्रमितों की संख्या 6820 पहुंच गई है, जिसमें 6197 मरीज ठीक हो गए हैं। 485 मरीजों का उपचार चल रहा है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।